वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल आज के इस वीडियो में तो लाइक हो, तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो चलिए बिना समय गवाए को हम स्टार्ट करते हैं जब भी आप ट्रेंगल्स चैप्टर पढ़ोगे तो सबसे पहले हमारा आता है थ्योरम अब ये थाल्स थ्योरम इंपॉर्टेंट भी बहुत है और ईजी भी बहुत इसका स्टेटमेंट हम सबसे पहले जानेंगे ठीक है तो थ्योरम में इफ ए बी एंड सी डिस्टिंग the right इंपॉर्टेंट है आप लोग चाहो तो no कर सकते हो. अभी जो है हम लोग एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है इ एन एफ आर पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली ऑफ अंगल पी क्यू आर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज देन स्टेट वेदर ई एफ एल क्यू आर ठीक है और इसमें जो ऑप्शन दिया है वो है वन टू एंड थ्री वन का आप सभी देख सकते हो टू का भी देख सकते हो और थ्री का भी आप सभी देख सकते हो ठीक है तो यहाँ पे हम लोगों को दे दिया गया है फर्स्ट वाले में कि जो है पी ई इज़ इक्वल्स टू थ्री पॉइंट नाइन सेंटीमीटर ई क्यू इज़ इक्ल्स टू थ्री सेंटीमीटर एंड पी एफ इज इक्वल्स टू थ्री पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर एंड एफ आर इज इक्ल्स टू टू पॉइंट फोर सेंटीमीटर ठीक है सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे गिवन इन एंगल पी क्यू आर ई एंड एफ आर टू पॉइंट ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली उसके बाद जो लिखा है हम वो लिखेंगे उसके बाद हम सबसे पहले ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेंगे ठीक है और ऐसा मानेंगे सपोज करेंगे कि ये P है ये E है ये F है ठीक है उसके बाद यहाँ पे Q है यहाँ पे R है ठीक है इतना समझ में सभी के आया फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे देयर फोर यूजिंग बेसिक प्रोपोरेशनैलिटी थ्योरम वी विल गेट पी ई अगर फाइंड आउट करेंगे तो थ्री पॉइंट नाइन को हम डिवाइड करेंगे थ्री से तो उसके बाद हम लोग डेसिमल को हटा देंगे तो ये थर्टी नाइन हो जाएगा हम आप सभी को पता होगा कि जब भी हम डेसिमल को हटाते हैं तो नीचे ज़ीरो आ जाता है तो जीरो हम लगा देंगे थर्टी नाइन को जब हम थर्टी से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा थर्टीन बाई टेन और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली वन पॉइंट थ्री इसका आ गया ठीक है फर्स्ट वाला हमारा क्लियर हो गया अब आता है सेकेंड वाला एफ पी एफ वाला तो उसको भी हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे थ्री पॉइंट सिक्स बाई टू पॉइंट फोर थ्री थर्टी सिक्स हो गया यहाँ पे ट्वेंटी फोर हो गया थ्री बाई टू को करेंगे तो वन पॉइंट फाइव आ जाएगा या तो थर्ड वाले को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारा कितना एट पॉइंट एट बाई नाइन ठीक है उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले वाले में जो है हमारा कितना आया